नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार मोदी की सरकार बन गई, उसके बाद से गठबंधन के साथ ही बिछड़ गए, एक एक करके बिछड़ते चले गए। और अब तो कहिए बिछड़े बारी बारी, क्योंकि अजीत सिंह भी रास्ता अलग कर रहे हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो रहा है। लेकिन अखिलेश है, कह रहे हैं कि इंजीनियर हूँ, प्रयोग तो करता रहूंगा। गठबंधन में रहकर लोकसभा में 0 से 10 सीटों तक पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन से अलग हो गईं, जबकि 7 सीटों से 5 सीटों पर सिमट जाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ठगे रह गए। मीडिया वालों ने पूछा कि ये क्या हुआ, अखिलेश बोले इंजीनियर हूँ, प्रयोग तो करता ही रहूंगा। मैंने अपने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, उससे पहले मेरी पढ़ाई हुई है, साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये ठीक है, ट्रायल होता है, कई बार नहीं आप कामयाब होते हैं, लेकिन कम से कम आपको कमी पता लग जाती है। सीखने के तो दो ही रास्ते हैं, या तो पूर्वानुमान या फिर अनुभव। अखिलेश ने तो अनुभव से ही सीखने की कोशिश की और गठबंधन में अपने हाथ जला लिए। अब अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं कि गठबंधन करके उन्होंने गलती की थी, या फिर गठबंधन ना करते तो ये बड़ी गलती होती। फिलहाल तो वो यूपी के चुनावी मैदान में अकेले उतरने की रणनीति बनाने में लगे हैं। और जहां तक सवाल गठबंधन का है, अकेले लड़ने का है, क्योंकि अब रास्ता राजनीति में खुला है। और अगर गठबंधन में उपचुनाव में अकेले अकेले लड़ रहे हैं, तो मैं पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा कर करके कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बने, उस दिशा में काम करेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी में कभी बदले की रणनीति का बोलबाला था, लेकिन अखिलेश ने ये परिपाटी बदल दी है। मायावती ने भले ही उन्हें बीच रास्ते अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन वो मायावती के सम्मान की बात कर रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। उनके प्रति हमेशा सम्मान रहेगा, जो पहले दिन मैंने कहा वो आज भी उसी तरह मैं रहूंगा। हालांकि रास्ते अलग हो सकते हैं, हमारा सिद्धांत अलग हो सकता है, हमारे एक दूसरे का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय को देखते हुए राजनीतिक फैसले अगर लिए तो अच्छी बात है, मैं उसको बधाई देता हूं। अखिलेश यादव अब अपना पूरा फोकस आगे की लड़ाई पर लगा रहे हैं। उन्हें यकीन है कि आज नहीं तो कल सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का दौर लौटेगा। तो सेक्युलरिज्म हमें कहीं ना कहीं वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सभी धर्मों को माने, वहीं सोशलिज्म की जरूरत है कि दुनिया सोशलिज्म की तरफ मुड़ रही है, जो आज खाई पैदा हो रही है, अमीरी और गरीबी में जो आंकड़े आ रहे हैं, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। हालांकि वो चुनाव मुद्दे नहीं थे गरीबी और अमीरी, इसलिए अब मैं समझता हूँ जनता सोचेगी कि आखिरकार कितना अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। शायद आने वाले समय में, भविष्य में यही मुद्दे कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन टूटा तो पार्टी दफ्तरों के बाहर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स के चेहरे बदल गए। पहले यहां होर्डिंग्स पर मायावती और अखिलेश यादव की तस्वीरें दिखा करती थी, लेकिन अब दोनों जगह तस्वीरें भी अलग अलग हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरों पर अब सिर्फ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। मायावती और अखिलेश के पोस्टर्स और बैनर से तमाम यहां पर ढके रहते थे, और इस बात की कवायद की जा रही थी कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरह से मिलजुल कर रहे हैं, किस तरह से दोनों नेताओं की तस्वीरों को यहां पर लगा करके उनको सजा कर रखा जाए। लेकिन जैसे ही मायावती ने फैसला किया कि आने वाले बाईपोल्स में वो अकेले लड़ेंगी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जितने भी पोस्टर और होर्डिंग्स और बैनर लगे थे, जिसमें मायावती और अखिलेश के साथ में फोटो थी, झंडे थे, वो सब हटा दिए गए। और यही हाल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के दफ्तरों के बाहर भी हुआ। हालांकि आरएलडी ने अभी तक ये साफ तौर पर नहीं कहा है कि वो इस सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी भी इस मामले में एक ऐलान कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में वो अकेले लड़ेंगे और ये गठबंधन अब खत्म हो चुका है। 2018 लोकसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की शानदार जीत के बाद ही यूपी में महागठबंधन की नींव पड़ी थी। इसी साल जनवरी में गठबंधन का ऐलान हुआ। गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ मायावती तो आई ही, पश्चिम के जाट सूरमा चौधरी अजीत सिंह भी मिल गए, लेकिन 6 महीने के भीतर ही गठबंधन का रायता पूरी तरह बिखर गया। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हर
राज्य में लगभग खलबली है और इससे बिहार भी अछूता नहीं है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी ने दाना डाल दिया है नीतीश कुमार के लिए, अब नीतीश कुमार ना इस पर हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, शायद विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के जाने को लेकर जो बातें उठी हैं वो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही। सियासी गलियों में बीजेपी से नीतीश के रिश्तों की खटास की खबरें चर्चा में हैं, तो उनके भी तेवर ढीले पड़ रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए नीतीश के लिए उनके दरवाजे बंद हैं और बंद ही रहेंगे। जिस व्यक्ति से इनके पास कुछ है ही नहीं ना, यहाँ के करेंगे क्या? और यहाँ कोई जगह नहीं है, देखिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और लालू जी ने साफ पहले भी कहा है कि अब नीतीश कुमार जी अगर द्वार पे आएंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। हालत ये है कि आरजेडी के नेता अब नीतीश के सामने दाना फेंक रहे हैं, कुछ तो तंज करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश का कुछ पता नहीं कि कब कहां पलटी मार जाए, तो कुछ नेता सीधे सीधे ऑफर दे रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे फिर खुल सकते हैं। नीतीश जी के जानते हैं जो कखनी पलटी मार करेंगे वो बात ठीक बात है, जो कखनी करने जाएंगे क्या बोलेंगे उनका कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो 2020 में हो बहुत पिछुल चीज है, कब करने चल जाएंगे। भाजपा के खिलाफ सब लोग को एकजुट होना चाहिए, हम इस धारा के लोग हैं। अभी वो भाजपा के खिलाफ है, अगर आते हैं तो हमारे हिसाब से तो एकजुट हो जाना चाहिए। कि ये नीतीश कुमार को दूसरा अवसर मिला है, दूसरा मौका मिला है। एक मौका महागठबंधन में थे वो चुक गए, वो उसकी भरपाई के लिए ये समझिए कि गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है उनके पास। अगर ये स्टैंड लेते हैं तो नीतीश कुमार जो है हमको लगता है कि कट्टरवाद के विरोध में एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में फिर से वो इमर्ज कर सकते हैं, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती के साथ रहे। यही नहीं, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक कार्यक्रम में नीतीश को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आने की पहल करते हैं तो महागठबंधन इस पर विचार करेगा। नीतीश के महागठबंधन में आने पर मुझे कोई एतराज नहीं है। आरजेडी बीजेपी और जेडीयू के तल्ख हो रहे रिश्तों का फायदा उठाने के फेर में है। आरजेडी को लगता है कि एक बार फिर नीतीश को अपने पाले में खींच कर वो बिहार की राजनीति में फिर से अपना वर्चस्व कायम कर लेगी। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है, नीतीश के पार्टनर सुशील मोदी तो नीतीश के महागठबंधन में जाने की पैरवी करने वालों को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। रघुवंश बाबू का बयान है, बुलावा दे रहे हैं। रघुवंश बाबू अब डूबती नाव पर कोई सवार नहीं होने वाला है। इसका एक भी एमपी चुनाव नहीं जीता उसके नाव पर कौन सवार होगा? और मैं तो ये चाहूंगा कि रघुवंश बाबू जैसे लोग अगर एनडीए में आना चाहें तो उनके लिए दरवाजा खुला है, वो आए हमारे साथ। बिहार की सियासी फिजाओं में नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं सुर्खियों में है। नीतीश इन खबरों का आनंद ले रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो क्या नीतीश केंद्र सरकार पर कोई दबाव बना रहे हैं? वजह भी साफ है, लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने 17-17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई। लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखे तो बीजेपी 96 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही, जबकि जेडीयू ने 94 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। इसके बावजूद नीतीश चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके बड़े भाई वाली भूमिका बरकरार रहे। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के हिस्से में बीजेपी से ज्यादा सीटें आए और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए। माना जा रहा है कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ही नीतीश आरजेडी के बुलावे पर अपनी स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति में नीतीश जहां खड़े हैं वहां उन्हें अपने दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे होंगे। एनडीए में ना तो कोई तकरार है और न ही महागठबंधन में जाने का कोई करार है, ये तो बस विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार है। कौन कितने पानी में है ये तो पता चल ही गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कौन होगा बड़ा भाई और किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, इसी को लेकर सारा बवाल है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। खलबली तो कांग्रेस के खेमे में भी खूब है। राजस्थान,
जहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। अब ये तो बीते दिन की खबर है कि अशोक गहलोत ने अपने बेटे की हार का ठीकरा फोड़ दिया सचिन पायलट के साथ। अब सचिन पायलट के खेमे के विधायक टूट पड़े हैं अशोक गहलोत पर, कह रहे हैं राजस्थान के पायलट को बदलने का वक्त आ गया है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। करारी हार के बाद यूपी में गठबंधन टूटा तो खलबली कांग्रेस के खेमे में। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की तो कई राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष अपने अपने इस्तीफों के साथ दिल्ली पहुंच गए। अब कांग्रेस का नया घमासान राजस्थान में सजा है जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। हार का साइड इफेक्ट अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के रिश्तों पर दिखाई दे रहा है। दो दिन पहले अशोक गहलोत ने अपने बेटे की हार की जिम्मेदारी सचिन पायलट पर थोपी तो अब सचिन के खेमे से राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के विधायक पीआर मीणा ने सीएम अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। ये जो भी जन बहुमत मिला वो पूरे राजस्थान से मिला है और अब जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो जनता फिर नाराज होगी। जाट नाराज, मीणा नाराज, भाई जाट नाराज, मीणा नाराज, गुर्जर नाराज, तो वोट देगा कौन? पायलट की पैरवी नहीं की मैंने तो, कुछ युवा की बनेगा तो वही ना मुख्यमंत्री जो दिल्ली के नजदीक होगा। आप वहाँ पक्ष रखेंगे? हाँ बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे। क्या कहेंगे? यूँ कहेंगे भाई किसी युवा को मुख्यमंत्री बना, कौन है युवा, कौन है जब पायलट है ना यार, और कौन होगा? खलबली सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी पार्टी के भीतर गुटबाजी उभर कर सामने आ गई है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो ये तो खलबली की बात हो गई जो दूसरे खेमे में है, लेकिन उस खलबली का क्या जो बीजेपी में है, जो मोदी को कर सकती है परेशान। जी हाँ, कैसे बदजुबानी बंद होगी भारतीय जनता पार्टी की, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब बात उन राजाओं, भोलाओं, गिरिराजों की जो बीजेपी को सियासत में डाल रहे हैं, क्योंकि एक बार सरकार बनी, प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतना है, लेकिन राजा सिंह हो विधायक जी, भोला सिंह हो सांसद जी, मंत्री हो गिरिराज सिंह, बिगड़े बोल थमते नहीं। ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ का कमिश्नर, यहाँ का डीजीपी टोपी पहनकर रमजान की शुभकामनाएं देते हुए हमने देखा। ड्रेस कोड का ये वायलेशन है। पूरे आवाम को ईद उल फितर मुबारक। किसी और धर्म के व्यक्ति की त्योहार में असुविधा होती है आमजन को, तो निश्चित ही वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गलत होता है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बीजेपी के बयान वीरों को प्रधानमंत्री मोदी की बात ठीक से समझ नहीं आती? क्या बीजेपी के बड़बोले नेता अपनी आदत से लाचार हैं? क्या जब भी मुंह खोलेंगे विवादित बोल ही बोलेंगे? ईद के मौके पर बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने एक ऐसा ही बयान दिया, जरा सुनिए नेताजी क्या कह रहे हैं। त्योहार मनाते वक्त ये देख लेना चाहिए कि उनके त्योहार से किसी को असुविधा ना हो। हिंदू धर्म में होली भी आती है, दीपावली भी आती है, रक्षाबंधन भी आता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरा देश त्यौहार मनाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को असुविधा हमारे त्यौहारों की वजह से नहीं होती है। अगर किसी और धर्म के व्यक्ति की त्यौहार में असुविधा होती है आमजन को, तो निश्चित ही वो नहीं होनी चाहिए। और सड़क अगर ब्लॉक होती है, आस्था है तो आस्था के लिए एक उचित स्थान है, वहाँ पर जाकर उसको करें। रोड वोड जाम नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गलत होता है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सिंह कह रहे हैं कि किसी भी मजहब के त्योहार से अगर किसी को दिक्कत होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब सड़क पर ईद की नमाज और जश्न से भोला सिंह को दिक्कत हो रही है। बात भोला सिंह पर ही खत्म नहीं हुई, इसे और आगे तक ले गए तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह। तेलंगाना पुलिस विभाग का एक इंस्पेक्टर रमजान की बधाई एक पुलिस ड्रेस पहनकर और पुलिस के जो टोपी होती है वो बाजू रखकर, विशेष करके एक धर्म की टोपी पहनकर रमजान की शुभकामनाएं देते हुए आपने वीडियो देखा है।
मैं हमारे पुलिस विभाग के ये लोगों को कहना चाहूँगा कि इंडियन पुलिस सर्विस रूल 1954 के तहत ड्रेस कोड का ये वायलेशन है। पुलिस अगर वायलेशन करी है तो गुड, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर वायलेशन करता है तो उसके ऊपर केस ठोक देती है। अब उस वीडियो को भी देख लीजिए जिसे लेकर बीजेपी विधायक टी राजा तेलंगाना पुलिस पर भड़के हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, के श्रीनिवास राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, PS फलकनामा। मेरा तरफ से, हमारे स्टाफ तरफ से पूरे आवाम को ईद उल फितर मुबारक। इस पुलिस इंस्पेक्टर ने वर्दी में ईद की बधाई क्या दी। विधायक जी पुलिस सर्विस रूल से लेकर वर्दी के कोड ऑफ कंडक्ट तक पर आ गए। दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने का टाइम सेट किया जाता है, नवरात्रि के दिन साउंड और जागरण कब तक किया जाता है उसका भी टाइम डिसाइड किया जाता है। ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ का कमिश्नर, यहाँ का DGP और गवर्नर खुद टोपी पहनकर रमजान की शुभकामनाएं देते हुए हमने देखा। हिंदुओं के कई ऐसे फेस्टिवल हैं, रामनवमी आती है, हनुमान जयंती आती है, नवरात्रि आती है, गणेश फेस्टिवल आता है, कभी आपने इनको बधाई देते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि विशेष करके तेलंगाना में सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का मान सम्मान और एक ही धर्म के लोगों को बधाई देने का ये एक नया फार्मूला स्टार्ट हो चुका है तेलंगाना। मतलब जब भी मुंह खुलेगा बवाली बोल का ज्वालामुखी ही फूटेगा। अब दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से रहा नहीं गया, ट्वीट कर दिया, नवरात्रि में फलाहार भी करवाते तो अच्छा रहता। इसके बाद पटना से दिल्ली तक सियासी शोले भड़कने लगे। JDU BJP गठबंधन के इस नाजुक मोड़ पर खबर आई कि अमित शाह ने गिरिराज सिंह को ट्वीट के लिए टपट दिया, कहा आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में नीतीश को भी BJP के बड़बोलों पर हमले का मौका मिल गया। आदत होती है कुछ लोगों की कि ऐसी बात बोलो इस पर खूब प्रतिक्रिया हो और खूब मीडिया में जगह मिल जाए, तो बहुत लोगों को इस तरह की भी चीजों को भी देखिए और कौन इस तरह की बातों को मानता है और कौन इस बात को अप्रिसिएट करता है, इसलिए इन सब चीजों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। और हम PM मोदी के सख्त संदेश के बाद भी BJP के बड़बोले नेताओं के विवादित बोल रुक नहीं रहे। BJP ईद के मौके पर सबको गले लगाने की कोशिशों में जुटी है। ये शायद पहला मौका है जब PM मोदी ने उर्दू में ईद की शुभकामनाएं दी, क्योंकि PM मोदी अब सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। 2019 में प्रचंड जीत के बाद PM मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक समझकर अब तक जो छल किया गया है उसमें छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है कि हमें इस छल को भी छेद करना है। ऐसे में सवाल उठता है कि PM मोदी जिस छल में छेद करना चाहते हैं उसे BJP की बड़बोला ब्रिगेड पंचर करने में नहीं लगी है। आखिर BJP के इन बड़बोलों का इलाज क्या है? आज तक ब्यूरो। ईद के दिन लोग सेवैया खाते हैं, खुशियां बांटते हैं, मीठा एक दूसरे का मुंह करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को ललकारने से फुर्सत नहीं है। आज भी वो कह रही हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यानी वो आक्रामक अंदाज उनका ईद के दिन भी खटास पैदा करता रहा। पश्चिम बंगाल का मिजाज ईद के दिन देखिए इस रिपोर्ट में। नेता कोई भी मौका खाली नहीं जाने देते, हर मौके को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ उसी अंदाज में नजर आई। अपना सबाई कुश्ती ईद जपन करूँ, सबाई के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसको रक्षा हम लोग करेंगे, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये तो हमारा स्लोगन है। इसी के लिए हम खत्म करने का पहले कहने चाहूंगी, मुद्दा इतना डरने का बात नहीं है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कोई होता है जो मंजूर खुदा होता है। इन दिनों ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम के नारे ने बेहाल कर रखा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी सियासी जमीन खिसका दी है। ऐसे में ईद के मौके पर ममता ने पहले सभी धर्मों का मर्म समझाया, उसके बाद जुबां पर बिना किसी का नाम लिए आ ही गया कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लोगों को भी समझते देर नहीं लगी कि ममता के निशाने पर कौन है, लेकिन सियासत का अपना मिजाज है, खासकर बनगाल की सियासत का। बीजेपी बनाम टीएमसी की जंग में अब जय श्री राम के साथ जय मां काली होने लगा है। टीएमसी की गुंडों को, उनके गुंडागर्दी को शर्म आती है कि जब भी हम सुबह किसी को मिलते हैं, भले वो सेलिब्रिटी हो आम आदमी हो, सब बंगाल की वायलेंस के बारे में बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली अ स्टेट सब्जेक्ट। जो घटिया पॉलिटिक्स हम बंगाल में देख रहे हैं, मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन या क्वेश्चन उस तरफ जाएगी, वो भी एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की है। हम जो बंगाल में लड़ाई कर रहे हैं वो भी क्लाइमेट चेंज, बंगाल का पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज करने के लिए। बंगाल में सियासी वर्चस्व की इस लड़ाई में बीजेपी कार्यकर्ता जहां ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखकर पोस्टकार्ड भेज रहे हैं, तो टीएमसी कार्यकर्ता वंदे मातरम और जय बंगाल लिखकर पोस्टकार्ड पीएम मोदी के लिए पोस्टबॉक्स में गिरा रहे हैं। लेकिन ईद जैसे प्यार और भाईचारे वाले त्योहार पर ममता ने खुला ऐलान कर दिया कि उनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मतलब 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का अघोषित रूप से शंखनाद ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने कर दिया। कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात ईद पे हो रही है तो आपको जरा बताएं, ये जो इस्लाम की तालीम के लिए मशहूर दारुल उलूम देवबंद है, वहां से एक फतवा जारी किया गया है और इस फतवे में कहा गया है कि ईद के दिन गले मिलना इस्लाम के मुताबिक सही नहीं है। अपनी जिंदगी में मोहम्मद साहब ने भी इस पर कभी अमल नहीं किया था। नई बहस शुरू। दुआ की जाती है, बाप दादा भी यही देखते और सुनते आए हैं, लेकिन ईद के मौके पर दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक लोगों को हैरान कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में कहा गया है कि ईद पर एक दूसरे के गले लगना इस्लाम की नजर में ठीक नहीं है। खास ईद के दिन ईद की नियत से गले मिलना बिदअत है, ये मसला बिल्कुल दुरुस्त है और सही है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहीं से भी साबित नहीं होता। इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है कि कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास ईद की नियत से लोगों से गले मिले हों। उलेमा साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि ईद के दिन गले मिलना मोहम्मद साहब की जिंदगी से हटकर है, लेकिन उलेमा साहब की दलील लोगों की समझ से बाहर है। लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि इस्लाम के भारत में आने के करीब 800 साल बाद इस मसले पर अब फतवा क्यों जारी किया गया। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि मालिक ने तो मुझे इंसान बनाया था, तुमने मुझे हिंदू मुसलमान बना दिया, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इस बहाने अपना गुलाम क्यों बना लिया। देवबंद का फतवा इरशाद अली सागर को तर्क की कसौटी पर नहीं जंच रहा है। ऐसे में अब ये भी सुन लीजिए कि देवबंद के फतवे पर बरेली के मौलाना क्या कहते हैं। सारे लोगों का भेदभाव मतलब ऐसा है, सब मिलजुल जाता है, छोटा बड़ा जितना होता है सब बन जाता है, गरीबी अमीरी जब सब लोग मिलते हैं सबको मतलब ऐसा प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। देवबंद के फतवे ने ईद के मौके पर गले मिलने को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कोई इसे सही करार देने में लगा हुआ है तो कोई गलत, सबकी अपनी अपनी दलील है। अब सवाल यह है कि अगर कोई किसी से गले मिलकर उसकी खुशहाली के लिए दुआ करता है, थोड़ा अपनापन का एहसास जताता है, इसे भी तो तर्क की कसौटी पर कहीं से गलत नहीं ठहराया जा सकता। सवाल ये भी है कि क्या दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर आज का पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज रत्ती भर भी ध्यान देगा। बरेली से कृष्ण राज के साथ पिंटू शर्मा, देवबंद आज तक। अब आपको जरा सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर साध्वी प्रज्ञा जीत के बाद ईद के मौके पर एक काजी साहब से मिलने के लिए पहुंची हैं मुस्लिम बहुल इलाके में। शहर काजी हैं ये भोपाल के और उन्हीं से मिलने के लिए वो ईद के मुबारक दिन पहुंची हैं।
ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी बताती हुई, क्योंकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी बहुत ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों में गई नहीं थी साध्वी प्रज्ञा। ऐसे में ईद के दिन उनका यहाँ पर जाना, क्या प्रधानमंत्री के उस सबका विश्वास जीतने के असर के रूप में ही देखा जाए? तस्वीरें आपके सामने हैं। साध्वी प्रज्ञा जीत के बाद भोपाल में ईद के मौके पर शहर काजी से मिलने के लिए पहुंची है। हो सकता है आने वाले दिनों में अब आप डिबेट और चर्चा भी इन्हीं तस्वीरों पर देखें। ब्रेक के रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पास स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे एमपी में एक तो गर्मी ऊपर से बत्ती गुल, क्या करेंगे कमलनाथ? ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। गजब मध्य प्रदेश में एक तरफ गर्मी का थर्ड डिग्री, दूसरी तरफ बिजली कटौती का टॉर्चर, लोग कितने परेशान हैं। इधर कमलनाथ मुख्यमंत्री नए नवेले समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, बिजली कटौती बड़ी सिरदर्द उनके लिए बनी हुई है। बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। अजब गजब मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। होशंगाबाद इंडस्ट्रियल इलाके में तो बिजली के भरोसे चलने वाले। ऐसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।